हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या। कैसे आप सभी लोग? आज की जो वीडियो होने वाली है वो है, थंबनेल में मेंशन कर ही दिया तो मैं क्या छुपाऊं आपसे, लेवॉन सीरम जो कि न्यू लॉन्च है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से देख के भी पता चल गया होगा। न्यू लॉन्च पर्पल पिंक दोनों ही आए हैं। इसमें साइजेस भी है, 50ml, 100ml। मैंने 100ml ये वाला लिया है, ठीक है। और इसकी पैकिंग जो आप देख रहे हो, मतलब पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। ये बॉटल स्टाइल में आता है, प्लस ये जो है टोटल आप देख रहे होंगे ये कांच वाला आपको लग रहा है, पर कांच नहीं है, प्लास्टिक है। तो टोटल प्लास्टिक पैकेजिंग है और ये आउटर पैकेजिंग इसकी है। तो पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो है पम्प स्टाइल में आता है, तो काफ़ी हाइजीनिक, प्लस आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो उतनी आप ले सकते हो। और ध्यान रखना है बस आपको कि ये वाली जो साइड है इसकी अच्छे तरीके से क्लोज हो, बंद हो, नहीं तो प्रोडक्ट लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट लीक नहीं होगा, आप कहीं भी ट्रैवल के दौरान इसे ले जा सकते हो आराम से। तो ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है और ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आपके बैग में ज़्यादा वेट नहीं होगा इसकी वजह से। और अब प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बता दूं, जो कि आउटर पे आपको मेंशन करी है इन्होंने और बॉटल पे भी मेंशन की है। तो ये लेवॉन सीरम एंटी फ्रिज सीरम है, जो कि आपके रफ एंड ड्राई हेयर के लिए है। ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, 24 आवर आपके बालों को सुपर स्मूथनेस देता है। ये इधर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो भी डिटेल्स अभी मैं बोल रही हूँ यानी बता रही हूँ वो सभी इन्होंने मेंशन किए, वही बता रही हूँ। ये आपके हेयर्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसमें विटामिन ई प्लस आर्गन ऑयल का आपको बेनिफिट मिलता है। इन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है, किस तरीके से यूज करना है, जो कि पुराने वाले पे थी, तो ये सब बताकर मैं आपको बोर नहीं करने वाली हूँ। तरीका बताया हुआ है कैसे यूज करना है। और ये जो है 100ml क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, 300 रुपीज इसका जो है प्राइस है, लेकिन मैंने जो है पर्पल ऐप से इसे बाय किया है तो मुझे डिस्काउंट इस पर मिल गया था। तो ये मुझे 10-20 ऐसे मतलब अराउंड मुझे मिली है, मतलब मुझे 80-90 का डिस्काउंट मिल गया था इस पर, तो मुझे परफेक्ट लगी, ज्यादा मुझे नहीं लगी एक्सपेंसिव। और डिस्काउंट के साथ खरीदोगे तो ओके। और ये जो है पर्पल वाली पैकेजिंग मैंने क्यों ली, उसका रीज़न बता दूँ। पुरानी वाली जो पैकेजिंग थी उसमें मुझे जो है, दोनों मैंने यूज़ किया आपको पता ही है, पर्पल एंड पिंक, और उसका रिव्यू भी शेयर कर रखा, लेकिन मुझे पर्पल वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने न्यू में पर्पल वाली पैकेजिंग ली। अगर आप पिंक वाली चाहते हो तो पिंक वाली भी ले सकते हो, उसमें भी जो है आपको साइज मिल जाएगा 50ml 100ml, तो जो आप लेना चाहो। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट डिटेल्स है जो कि इन्होंने बताई है, और ऐसे यूज़ करना है। 2 पार्ट्स में हेयर को डिवाइड कर ले, कुछ ड्रॉप्स ले ले सीरम की, दोनों हैंड्स में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर ले, फिर जाके अपनी हेयर लेंथ पर और एंड्स पे अप्लाई करें। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो बात करूँ इसको कैसे और कब यूज़ करना है, तो आप आफ्टर हेयर वॉश, मतलब आपके जब वेट हेयर हो या फिर अपने बालों को गीला कर लें। वैसे आप इसे ड्राई हेयर में भी यूज़ कर सकते हो, बट आप अगर वेट हेयर में यूज़ करते हो तो कम क्वांटिटी, और पता है आप बहुत ही ईजिली ऑल हेयर्स में अप्लाई कर पाओगे। आपके वेट हेयर में जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये जो है आपके बालों को टेंगल फ्री करेगा, और आप फिर कॉम करोगे तो आपके बाल जो है स्ट्रेट, मतलब आप वैसे नॉर्मली अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो आपको पता होगा कि आपके बाल अजीब ही किसी स्टाइल में होते, किसी के घूमे घूमे से अजीब से, या फिर अजीब से फोल्ड्स होते हैं आपके हेयर्स में। लेकिन अगर आप सीरम वेट हेयर में लगाते हो और गीले बालों को आप धीरे धीरे कॉम करते हो, ध्यान रखना आपको कॉम जो है एंड से स्टार्ट करना है और ऊपर डायरेक्शन में जाना है, तो इस तरीके से आपको कॉम करना है। अगर वुडन वाला आपके पास कॉम है तो ज़्यादा रहेगा अच्छा, नहीं है तो आप जो है प्लास्टिक वाले का जो बड़े वाले दांत होते हैं उधर की साइड से कॉम करें, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाएं और फिर जाकर छोटे वाले जो दांत होते हैं उससे आप कॉम करें, तो आपके जो हेयर लॉस है वो कम होगा, प्लस आपके गीले हेयर्स को आप कॉम करोगे तो आपके बाल जो है स्ट्रेट हो जाएंगे। काफ़ी देर इस तरीके से आप करोगे तो अच्छे रहेंगे और आपके टोटल जो हेयर हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सुलझ जाएंगे। प्लस उसके अलावा जब आपके बाल धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगे तो आपके जो हेयर हैं काफ़ी ज़्यादा सुपर स्मूथ आपको लगेंगे, शाइनी लगेंगे, जैसे इसमें जैसा इन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है इस पर, वैसे ही आपके जो है हेयर का टेक्सचर लगेगा। आप ड्राई हेयर में भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से यूज़ किया है, उसी के ही बेस पर मैं आपसे कह रही हूँ कि ड्राई हेयर में भी आप लगा सकते हो। और ये जो सीरम है इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखलाऊं, पहले मैं 1 ड्रॉप ले लेती हूँ, इतनी क्वांटिटी 1 ड्रॉप में आपकी इतनी क्वांटिटी आती है, और आप देख रहे हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा थिक या ज़्यादा रनी नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, मतलब जिसे कहते हैं ना मीडियम, वो वाली बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है मतलब कंसिस्टेंसी है। और इसकी स्मेल बेहद अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको आपके हेयर में धीमी धीमी सी खुशबू अच्छी लगती है तो ये काफ़ी अच्छी है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग हो, बट मुझे बहुत पसंद आई इसकी स्मेल।
और इसे इस तरीके से आप ड्राई हेयर में अप्लाई कर सकते हो तो भी आपके जो है ड्राई हेयर भी बहुत परफेक्टली जो है ये आपके बालों को इस तरीके से शाइनी दिखाएगा और काफ़ी आपके बाल जो है मैनेज लगेंगे। इसी तरीके के ये आपके हेयर को डैमेज नहीं करता अगर आप स्कैल्प पे नहीं लगाओगे तो। अगर स्कैल्प पे लगाओगे इसमें केमिकल्स होते हैं वो आपको पता है, अगर स्कैल्प में लगाओगे तो ये आपके हेयर्स को मतलब आपके रूट्स को किसी तरीके का नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो प्लीज़ यहाँ ना लगाएं, सिर्फ लेंथ पे लगाएं, स्कैल्प पर बिल्कुल ना लगाएं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी, मीडियम है। इसकी जो स्मेल है बहुत ऑसम है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे बाय कर सकते हो, ड्राई हेयर में भी आप इस यूज़ कर सकते हो, बट मेरा लास्ट ये है कि आप इसे वेट हेयर में यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपका ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम चल जाएगा, कम ड्रॉप्स इसके लगते हैं, ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं लगेंगे। आप 50 ml से ट्राई कर सकते हैं इसे और आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस से मैं इसे कहूँगी कि ये जो प्रोडक्ट है 10 में से मैं 9 points दूंगी और काफ़ी वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसको ट्राई करने की बड़ी इच्छा हो रही थी और इसे यूज़ करने के बाद मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरी ये उम्मीदों पे खरा उतरा, मेरे को इसने किसी तरीके से निराश नहीं किया, तो ऑफकोर्स गो फॉर इट। तो गाइज मुझे लगता है जो मैंने ये आपके साथ रिव्यू शेयर किया है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जिनको चाहिए इस न्यू लॉन्च सीरम का यानी लिवॉन सीरम का रिव्यू, उनको मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और उन्हें बाय करना नहीं करना वो भी क्लियर हो जाएगा। 50 ml वाली क्वांटिटी से आप इसे ट्राई कर सकते हो, वेट हेयर में ट्राई कीजिएगा तो आप गारंटी है ज़रूर 100 ml की पैकेजिंग लोगे। और अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, अच्छा ब्रांड, अच्छी क्वालिटी, अच्छी स्मेल, सब कुछ परफेक्ट लगा। तो इसे आप बाय ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ ऐसे ही अमेजिंग किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।